मेरा पीपी महाराजा वीर विक्रम का सबसे छोटा बेटी आज 84 साल का है, 84 साल का, बॉम्बे में है, अकेला है, ना बच्चा है ना पति है, सब पति भी नहीं रहा। महाराजा वीर विक्रम का बेटी हमको आज 10 लाख रुपया भेजा, बोला टिपरा टिपरा हा के लिए फाइट करो, जाति के लिए फाइट करो। आदमी कद से छोटा नहीं होता है, आदमी सोच से छोटा होता है। आज मैंने कलकत्ता में अपना फ्लैट बेच दिया ये इलेक्शन के लिए। आप लोग गांव का गरीब बुरा बुरी, कोई 10 रुपया दे रहा है, कोई 20 रुपया दे रहा है, कोई 500 रुपया दे रहा है, कोई 100 रुपया दे रहा है, ये आपका आशीर्वाद है। चंदा तो वो लोग पूजा के टाइम कलेक्ट करता है, रास्ता में गाड़ी को रोक रोक के वो लोग चंदा कलेक्ट करता है, आप तो अपना दिल से दे रहा है। ये जो हमने चंदा कलेक्ट किया इलेक्शन फाइट करने के लिए, मैं वो एमपी से पूछना चाहता हूं, आप रोज वैली से चंदा क्यों नहीं कलेक्ट करता? आप तो कलेक्ट किया ना रोज वैली से चंदा, आपने ड्रग माफिया से कलेक्ट किया ना चंदा, आपने बड़ा बड़ा बिजनेस हाउस अंबानी अदानी से तो बहुत पैसा कलेक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्टर से कलेक्ट किया है, बहुत पैसा कलेक्ट किया है आप। हमारा पैसा ये तिपरासा का आशीर्वाद है, का मजाक उड़ाता है। एक गांव में एक बुरुई हुमा है, उसके पास वो सब्जी बेचता है, 200 रुपया कमाया, 100 रुपया मोथा को दे दिया, उसको क्या धोखा दे सकता है वो बागरा? ये आपका पार्टी है, और मैं बोलूं हमको आपने बदल लिया, आपने हमको बदला। मैं भी एक टाइम सोचता था कि मैं एमपी बनूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन आज आपने हमको चेंज, ये प्रद्युत मानिक्य को चेंज ये तिपरासा ने किया, गरीब तिपरासा ने किया, गांव का तिपरासा ने किया। आज हमको अपना लिए कुछ नहीं चाहिए। ये इलेक्शन खत्म होने के बाद मैं विदेश जाऊंगा ट्रीटमेंट के लिए, मैं जानता नहीं हूं कितना टाइम है, लेकिन ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक बात तो मैं बोल के जा रहा हूं, महाराजा वीर विक्रम मर गया और त्रिपुरा का भविष्य बदल गया। अगर महाराजा वीर विक्रम 2 साल और जिंदा रहता, त्रिपुरा का भविष्य कुछ और होता। और मैं, मुझे कुछ होने से पहले, अगर मुझे कुछ हो जाए उससे पहले, मैं आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देकर ही जाऊंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा।